तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, 2018 जेईई एडवांस पेपर 1। ये थोड़ा सा इसमें इमेजिनेशन वगैरह अपने को फुल हाई रखना पड़ेगा, है ना। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। टू इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स लाई इन द एक्स वाई प्लेन अलॉन्ग द लाइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आर। द वायर लोकेटेड एट एक्स इज इक्वल टू प्लस आर कैरी द कॉन्स्टेंट करेंट ऑफ आई वन एंड द वायर लोकेटेड एट एक्स इज इक्वल टू माइनस आर कैरी द कॉन्स्टेंट करेंट आई टू। तो ये क्या बोल रहा है, देखो यहाँ ये बोल रहा है कि सपोज करो ये एक्स एक्सेस है अपनी, ये वाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है। अब ये एक्स वाई जेड ऐसा जनरली अपन बनाते नहीं है, पर मैं सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि समझने में, इमेजिनेशन करने में आसान हो, ऐसा बनाया हूँ एक्स वाई जेड, है ना। जनरली क्या होता है, एक्स ऐसे बनाते हैं, वाई ऐसे बनाते हैं और जेड ऐसे बनाते हैं, पर वो उससे इमेजिनेशन अच्छे से हो नहीं पाएगा, इस वजह से मैं ऐसे बना रहा हूँ। अब बोला है कि यहाँ पर दो वायर हैं, ऐसा एक वायर ऐसा है और दूसरा वायर ऐसा है। इसकी ओरिएंटेशन को समझो, ये जो पॉइंट है, ये वायर कहाँ पर है। पहली बात तो ये जो वायर है वो तो अपना एक्स वाई प्लेन में है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एक्स वाई प्लेन में है दोनों वायर, ठीक है। और ये क्या है, अपनी जेड एक्सिस है, ठीक है। तो अगर मैं इस बोर्ड के प्लेन की बात करूं, तो बोर्ड का प्लेन कौन सा हुआ, एक्स जेड प्लेन हुआ। तो ये जो वायर हुआ वो एक्स जेड प्लेन को इस पॉइंट पे काट रहा है, और ये वाला जो वायर है वो इस एक्स जेड प्लेन को यहां पर काट रहा है। इमेजिनेशन करने के लिए इतना समझा रहा हूं बस, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब बोला है कि इसमें कोई करंट आई वन बह रहा है, इसमें कोई करंट आई टू बह रहा है, डायरेक्शन नहीं पता इन दोनों वायर में। और साथ ही साथ आगे क्या लिखा है, देखो, अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर सस्पेंडेड विथ इट सेंटर एट 0,0,√3 r। ये पॉइंट कहाँ पर लाया करता है भाई, एक्स एक्सिस, सॉरी जेड एक्सिस में लाया करता है। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर जेड एक्सिस में है, जेड एक्सिस ही एक पॉइंट में है, और वो सर्कल पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन है। तो ये कैसा दिखेगा, एक्स वाई प्लेन मतलब कौन सा, ये वाला प्लेन, इसके पैरेलल, और ये जेड एक्सिस, ये यहाँ पर सेंटर है और ये सर्कल है, ठीक है। ये बाहर वाला साइड है, ये अंदर वाला साइड है। एक्चुअली में यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो, दिस लूप कैरीज अ कॉन्स्टेंट करंट आई इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज सीन फ्रॉम द अबव। तो इस लूप को देखोगे तो ऊपर से क्लॉकवाइज दिखेगा, मतलब ये डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब और क्या लिखा है भाई, द करेंट इन द वायर इज टेकन टू बी पॉजिटिव इफ इट इज इन द पॉजिटिव जेड, पॉजिटिव जे कैप डायरेक्शन। तो जे कैप ये वाली डायरेक्शन है ना, ये पॉजिटिव जे कैप हो गई, ये नेगेटिव जे कैप हो गई, ठीक। अभी देखो, अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, अगर आई वन आई टू बराबर है, आई वन आई टू के बराबर होने का मतलब मैग्नीट्यूड तो बराबर है ही, साथ में साइन भी बराबर है। साइन बराबर होने का मतलब डायरेक्शन भी बराबर है, मतलब दोनों या तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में है या तो फिर नेगेटिव वाई एक्सिस में। तो अगर आई वन आई टू बराबर है, देन बी कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो एट द ओरिजिन। देखते हैं भाई, अगर यहाँ दोनों को एक डायरेक्शन में मान लेता हूँ मैं फिलहाल, तो यहाँ पर करंट ऐसे जा रहा है और यहाँ पर भी करंट ऐसे जा रहा है। अब ये रहा ओरिजिन, अब इस करंट की वजह से वो राइट हैंड वाला नियम लगा के जब डायरेक्शन निकालोगे तो वो ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है, आई वन की वजह से। और ये जो आई टू करेंट बह रहा है, इसके वजह से जब करेंट जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन निकालोगे तो वो ऐसा आएगा। तो ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, दोनों ग्रीन वाले इक्वल और अपोजिट है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब इन दोनों वायर्स की वजह से सेंटर ओरिजिन पे कोई फील्ड नहीं आ रही, तो बचा कौन, बचा अपने पास वो नीला वाला वायर ऊपर। इस नीले वायर वायर की वजह से जब अपन वही फिंगर घुमाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो इस पॉइंट पे वो नीचे की तरफ आएगा। तो ये तो एक वेक्टर हुआ ना अकेला, तो ये जीरो कैसे हो सकता है, इसका मतलब ओरिजिन पे जीरो नहीं हो सकती फील्ड अगर आई वन आई टू की वैल्यू बराबर है, ठीक है। और अगर आई वन आई टू की वैल्यू इधर मान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, तो भी वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी,
और अल्टीमेटली केवल नीली वाली फील्ड बचेगी जो कि जीरो नहीं हो सकती। इस वजह से ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे I1 को पॉजिटिव बोला हुआ है और I2 को नेगेटिव बोला है, देन वी कैन बी इक्वल टू जीरो एट ओरिजिन। देखते हैं भाई, I1 पॉजिटिव मतलब ये वाला डायरेक्शन और I2 की विंग्स बना लेते हैं। I1 मतलब ये पॉजिटिव और I2 मतलब ऐसा। तो इस बार क्या होगा यार, I1 और I2 का कंपोनेंट दोनों एक डायरेक्शन में रहेगा। I1 की वजह से भी फील्ड ऐसी आएगी और I2 की वजह से भी फील्ड ऐसी आएगी। तो ये दोनों फील्ड हरी वाली ऊपर की तरफ है। तो अब क्या होएगा, इन दोनों का एक रिजल्टेंट होगा और नीली वाली कहाँ लग रही है, नीचे लग रही है। तो ये दोनों जीरो हो सकते हैं कि? ऑब्वियसली दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में उनका कॉम्बिनेशन जीरो हो सकता है। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि दो एरो है भाई हरा वाला तो वो दो दो बड़ा हो जाएगा, नहीं भाई। वो तो मैं एक अप्रोक्सीमेट डायग्राम बनाया हूँ, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है I1 I2 और I के बारे में, मैग्नीट्यूड वगैरह के बारे में। तो कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, पॉसिबिलिटी की बात की है बस। तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है ना, सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन में क्या बोला है, अगर I1 नेगेटिव है और अगर I2 पॉजिटिव है देन B कैन बी इक्वल टू जीरो एट ओरिजिन। I1 नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, I1 नेगेटिव मतलब ऐसा डायरेक्शन और I2 पॉजिटिव मतलब ऐसा। इस बार दोनों वायर की वजह से फील्ड नीचे आएगी। अब बताओ ये तीन वेक्टर का सम जीरो हो सकता है क्या किसी भी केस में? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, गलत हो गया, काटो। ऑप्शन नंबर डी, इफ I1 इज इक्वल टू I2 देन द जेड कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज -μ0 I/2R। I1 I2 बराबर है। यहां पर एक चीज ध्यान दो भाई, पहले तीन ऑप्शन में ओरिजिन पे फील्ड की बात कर रहा था, मतलब मैं जब खुद इस क्वेश्चन को पहली बार सॉल्व कर रहा था तो मैं फोर्थ ऑप्शन में ओरिजिन पे फील्ड निकालने बैठ गया था, क्योंकि तीनों पॉइंट में आदत पड़ गई ABC में। और यहां मैं ध्यान से नहीं पढ़ पाया कि कहां पर लिखा हुआ है सेंटर ऑफ द लूप में मैग्नेटिक फील्ड की बात की हुई है। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसी गलती हो सकती है। तो इस बार इन तीनों वायर, इन तीनों करंट कैरिंग वायर की वजह से सेंटर ऑफ द लूप यानी कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उसका जेड कंपोनेंट निकालना है। ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा सिंप्लीफाई करके बनाते हैं डायग्राम को। ये अपना एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहां पर ये एक वायर है, यहां पर दूसरा वायर, सेम डायरेक्शन I1 I2 मतलब या तो क्रॉस होगा दोनों या दोनों डॉट होगा, है ना, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। फिलहाल के अपन डॉट मान लेते हैं यानी कि बाहर आ रहा है करंट। इस बार मैंने जेड एक्सिस ऐसी मानी है। ठीक है, अब यहां पर क्या था अपना, कहाँ गया भाई, सॉरी यार, ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये एक्स है, ये जेड है। ठीक है, तो ये वाली जो एक्सिस है ये वाली वाई है। ठीक है, पर उसको मैं सिंप्लीफाई कर दिया हूँ और वो बोर्ड के परपेंडिकुलर है तो उसको मैं डॉट बना दिया हूँ। अभी देखो यहां पर वो पॉइंट है कौन सा, सेंटर ऑफ द सर्कल, और अब इसको ऐसे देखो, इस वायर की वजह से जो फील्ड आएगी वो कहाँ आएगी, उंगली घुमाओ, तो वो कुछ ऐसे आएगी यानी कि इस डॉटेड लाइन के परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो दूसरा वायर है ये वाला, इसकी वजह से जो फील्ड आएगी वो देखो कहाँ पर आ रही है, राइट हैंड घुमाओ अपना, वो ऐसे आएगी। तो इन दोनों वेक्टर्स का वाई कंपोनेंट, जो सॉरी जो जेड कंपोनेंट है वो तो साफ साफ कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इन दोनों वेक्टर का एक तो इधर वाला कंपोनेंट होगा और एक ऐसा ऐसा वाला कंपोनेंट होगा, कैंसिल हो गया जेड कंपोनेंट। क्वेश्चन में जेड कंपोनेंट की बात की है तो मैं एक्स कंपोनेंट जो कि डायरेक्शन में आ रहा है उसकी बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो मारो गोली, जेड कंपोनेंट जीरो आ गया, तो इन दोनों वायर का रोल तो खत्म। अब बचा कौन, अपना लूप ये। ठीक है, लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, लूप में करंट कैसा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो डायरेक्शन देख लेना, राइट हैंड से नीचे की तरफ आएगी यानी कि नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग आई, मतलब डायरेक्शन तो सही है क्योंकि यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव साइन दे रखा है।
नेगेटिव मतलब माइनस जेड एक्सिस की बात कर रहा है। और मैग्नीट्यूड क्या होता है अपने को पता ही है भाई, सेंटर ऑफ द लूप में मैग्नीट्यूड सबको पता है म्यू नॉट आई बाय 2 आर होता है। तो मैग्नीट्यूड भी सही हो गया जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, और डायरेक्शन भी सही हो गया। इस तरीके से डी इज द करेक्ट आंसर। तो ए बी और डी, ये क्वेश्चन समझाने में बस लेंदी है, खुद से सॉल्व करने में इतना टाइम नहीं लगता, इमेजिनेशन जल्दी जल्दी होते जाता है ना, इतना सारा लिखना भी नहीं पड़ता है रियल एग्जाम में। वो तो मैं अभी समझा रहा हूँ ना, तो उसमें तो ज्यादा समय लगेगा ही, पर एग्जाम में इतना समय नहीं लगता। बस मेरे को इस क्वेश्चन में एक ही चीज टफ लगी थी कि मैं ऑप्शन पढ़ते पढ़ते ये देखना भूल गया था कि सेंटर ऑफ द लूप पे बात कर रहा है फील्ड की, जो चौथा ऑप्शन है। मेरे से ये गलती हुई थी, बाकी तो गलतियों की बहुत वैरायटी होती है। तो एनीवेज थैंक यू।